और क्या क्या अलाउड है वो हम पहन देख लेते हैं, ठीक है। अलाउड में क्या होगा, स्लीपर्स नॉर्मल आप चप्पल पहन के या कोई भी फ्लैट्स वगैरह हो गई है उसमें आप मतलब जाओ, वो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सैंडल्स विद लो हील्स, इस बार का जो बुलेटिन आया है उसमें ये होगा कि मतलब उसमें ये चीज अलाउड कर रखी है कि कोई भी स्टूडेंट होता है मतलब गर्ल्स में, वो हील्स विद लो हील्स चलेगी। मधु फ्रॉम टॉपर्स एकेडमी। तो आज ये वीडियो नीट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट रहेगी, बेसिकली ये जो वीडियो है, ये जो 5 तारीख को हमारा नीट का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसके ड्रेस कोड के ऊपर है कि क्या आपको पहनना है और क्या नहीं पहनना है। तो फर्स्ट हम देखेंगे क्या अलाउड नहीं है जब आप एग्जाम देने जाओगे, ठीक है। तो क्या मतलब आपको पहनना है क्या नहीं पहनना है, क्योंकि बहुत ऐसी गाइडलाइन आई है कि पहले ही NTA ने गाइडलाइन दे दी है कि स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर में मतलब जब एंट्री लेनी है तो क्या चीज़ें नहीं चाहिए, उनके हाथ में क्या चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट रहेगा आपका हैवी क्लोथ्स, ठीक है। तो हैवी क्लोथ्स जो होंगे वो नहीं नहीं पहनने आपको, ठीक है। मतलब बेसिकली हैवी क्लोथ्स पहनने ही क्यों है, ठीक है। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जो बेसिकली हमारा मोटिव रहेगा वो रहेगा हमारा एग्जाम अच्छा जाए, ठीक है। तो हैवी क्लोथ्स नहीं डालने हैं किसी भी स्टूडेंट ने, ठीक है। फुल स्लीव्स के क्लोथ्स, तो फुल स्लीव्स की जो लाइक टी शर्ट्स होती है वो भी आपको नहीं पहननी है, ठीक है। शूज एंड हाई हील्स, जो भी मतलब स्टूडेंट है जो शूज और हाई हील्स वगैरह पहनती हैं, हर कोई पहनता है, बट एग्जाम देने आपको नॉर्मल ही जाना है, हाई हील्स या शूज में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि उसमें बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं, पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नहीं है ये, ठीक है। तो जो चीटिंग का मटेरियल होता है थोड़ा बहुत भी अगर रहता है कि छुपाने के लिए, वो नहीं रखना है आपको, ठीक है। तो शूज़ जो हैं, शूज़ और हाई हील्स वो भी नहीं पहन के जानी है, और अगर पहन के चले गए तो वो अलाउड नहीं करेंगे, आपको बाहर ही रोक लेंगे, ठीक है। ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी, जो भी मतलब ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी है लाइक रिंग्स और नेकलेस या कुछ भी ऐसा इयररिंग्स हो गए, वो भी अलाउड नहीं करेंगे एग्जाम सेंटर में आपको, ठीक है। ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है। बॉयज़ जो भी रिंग्स वगैरह पहनते हैं और लाइक चैन वगैरह डालते हैं, या कोई भी गर्ल है वो हैवी इयररिंग्स डाल के गई हैं या रिंग्स ब्रेसलेट, वो सब उतरवा देंगे उधर। तो इससे अच्छा है घर से पहन के ही मत जाओ, ठीक है। हेयर एक्सेसरीज, हेयर एक्सेसरीज में आपको क्लिप्स वगैरह नहीं लगानी है, कोई भी आर्टिफिशियल, कोई भी लाइक फैंसी हेयर रबर बैंड और कुछ भी ऐसा नहीं पहनना है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर बहुत से गर्ल्स का ये रहेगा कि हम टाई हेयर टाई कैसे करेंगे, तो हेयर टाई के लिए आपको सिर्फ एक सिंपल सा रबर बैंड आप लेके जा सकते हो, ठीक है, ये अलाउड रहेगा, सिर्फ नॉर्मल सिंपल सा, ठीक है, सिंपल हेयर बैंड, उसके अलावा कुछ अलाउड नहीं होगा, ना क्लिप्स ना कुछ भी नहीं, ठीक है, फैंसी में, ठीक है। एंड जीन्स टाइट्स विद पॉकेट्स, जो भी जीन्स वगैरह होंगी पॉकेट के साथ वो भी अलाउड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फर्रे वर्रे छुपा लेते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नहीं है ये, तो कोई पर्सनल मत लेना। अलाउड और क्या क्या अलाउड है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अलाउड में क्या होगा, स्लीपर्स नॉर्मल आप चप्पल पहन के या कोई भी फ्लैट्स वगैरह हो गई है उसमें आप मतलब जाओ, वो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सैंडल्स विद लो हील्स, इस बार का जो बुलेटिन आया है उसमें ये होगा कि मतलब उसमें ये चीज़ अलाउड कर रखी है कि कोई भी स्टूडेंट होता है मतलब गर्ल्स में, वो हील्स विद लो हील्स चलेगी, ठीक है। बट हाँ ठीक है, जिसको पहननी है वो लो हील्स में जा सकते हैं, बट पहली बार जाना ही क्यों है, नॉर्मल अपने फ्लैट्स में आप जा सकते हो, ठीक है। बट जिनको बहुत ज़्यादा शौक है तो वो लो हील्स उनके लिए है मंजूर। स्पेक्स एंड हियरिंग एड्स, जिनको जिनकी मतलब नज़र कमज़ोर है या जिनको सुनाई थोड़ा कम देता है, तो उनके लिए स्पेक्स और हियरिंग एड्स अलाउड है, ठीक है। कोई भी गॉगल्स लाइक ब्लैक कलर के, कोई भी सनग्लासेस वो अलाउड नहीं होगा, तो लेके जाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। टी शर्ट्स हाफ स्लीव, जो टी शर्ट्स हैं वो हाफ स्लीव में होनी चाहिए, नॉर्मल ढीली होनी चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि आप कुछ फुल पहन के जा रहे हो या कुछ अच्छे से बन के जा रहे हो, वो उस अच्छा बनने का कोई मतलब नहीं है,
सब वो आपको बाहर ही उतारना पड़ेगा, प्लस चेकिंग में जो टाइम जाएगा वो अलग। तो अगर सिंपल जाओगे, पहले वही है कि मोटिव क्या है, एग्ज़ाम अच्छा देना, एग्ज़ाम चले जाए उसके बाद आप ये सब कर ले सकते हो। पजामा एंड ट्राउजर्स, तो पजामा ट्राउजर्स में जा सकते हो, जीन्स वगैरह अलाउड नहीं है, पजामे में जा सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छी बात है अगर विदाउट पॉकेट्स हो, विद पॉकेट्स भी होता है तो कोई इशू नहीं है, बट हाँ पजामा या ट्राउज़र ही होना चाहिए, तो ये आप मतलब कर सकते हो, ठीक है। फिर बहुत ऐसे स्टूडेंट हो गए जो सोचते, मतलब जो जिनमें क्वेश्चन मार्क है कि कॉस्ट्यूमरी ड्रेसेस अलाउडेड, क्या कॉस्ट्यूमरी ड्रेसेस अलाउड है। बहुत मतलब स्टूडेंट हैं जिनके घर में रिलीजन की वजह से कोई हिजाब नहीं, मतलब छोड़ सकते हैं या कुछ भी ऐसा दुपट्टा या कुछ इस तरीके का, तो वो ले जाना अलाउड है, तो वो ले जाना अलाउड है। पर जब आप जाओगे तो कोशिश करना 12:30 तक या उससे पहले आप अपना एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाओ, ठीक है। कुछ भी ऐसा अगर इनमें से कुछ भी अलग आपने पहना है या कुछ भी ऐसा डाउट लगता है आपको कि आप ये चीज़ में पकड़े जाओगे या सेंटर वाले आपको रोक देंगे, तो आपको 12:30 तक या 12:30 से पहले आपको वहाँ पहुँच जाना है कि जो चेकिंग का टाइम है वो पूरा मिले आपको, ठीक है। कल मतलब ये चीज़ ना हो कि हाँ भाई चेकिंग तो जा रही है, फिर आपका जो एग्ज़ाम टाइम है उसमें से आपका 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा वहीं आपका चेकिंग में निकल जाए, तो उस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं है। तो पहले तो आप पहन के ना जाओ, बट जिसकी मजबूरी है, जो नहीं छोड़ सकता, वो आप 12:30 से पहले चेकिंग के लिए वो चले जाए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो यही है, तो इस चीज़ में आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। 5 मई को आपका एग्ज़ाम है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक साल से ड्रॉप ले रखा है या 12th आफ्टर 12th वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।